नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। IC15 इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें क्रिप्टो वायर ऐप। और आइए अब डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। RBI डिप्टी गवर्नर है क्रिप्टो एसेट पर फेयर डिबेट के लिए तैयार। इंडिया का बिटकॉइन प्रीमियम साउथ कोरिया से है ज्यादा। वेलकेरी इन्वेस्टमेंट ने ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के लिए शुरू की ट्रेजरी मैनेजमेंट सर्विस। वार्नर म्यूजिक ग्रुप ने ब्लॉकचेन गेमिंग डेवलपर स्प्लिंटर लैंड के साथ मिलाया हाथ। यूरोप 2025 तक बिटकॉइन पर लगा सकता है प्रतिबंध। क्रिप्टो एक्सचेंज FTX ने $3,000 बिलियन की फैशन इंडस्ट्री की तरफ बढ़ाए कदम। रशिया यूक्रेन तनाव के बीच बिटकॉइन फिसला $37,000 से नीचे। अलीबाबा ने लॉन्च किया अपना पहला ब्लॉकचेन गेम, प्लेयर्स जीत सकते हैं NFT। डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रिटेल एप्लीकेशंस को डेवलप करने में सावधानी के साथ आगे बढ़ेगा। साथ ही देश में उसे वैध बनाने के खिलाफ मजबूत विचारों के बावजूद वे क्रिप्टो एसेट की रेगुलेशन पर एक फेयर डिबेट में शामिल होने के लिए तैयार है। उनका कमेंट इकोनॉमिस्ट और दूसरे इंडस्ट्री एसोसिएट के सवालों के जवाब में था कि बैंक्स को क्रिप्टो खरीदने के लिए उधार देने की अनुमति दी जाएगी। डिप्टी गवर्नर ने कहा कि इंडिया में क्रिप्टो एसेट्स पर बहस अभी भी चल रही है और कई पहलुओं पर विचार किया जाना है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि क्रिप्टो पर RBI का व्यू सभी जानते हैं, इंस्टीट्यूशन फेयर डिबेट में शामिल होने और तर्क के सभी पक्षों को देखने के लिए तैयार है। डिप्टी गवर्नर को भरोसा है कि RBI फाइनेंशियल ईयर के दौरान CBDC को रोल आउट करने में सक्षम होगा और इस तरह से प्राइवेसी के मुद्दे के साथ कई टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। डेटा के अनुसार इंडियन बिटकॉइन खरीदने के लिए साउथ कोरियन लोगों की तुलना में 3 गुना ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। साउथ कोरिया के फेमस किमची प्रीमियम 1.6% की तुलना में बिटकॉइन इंडियन के टॉप एक्सचेंजेस पर लगभग 5.7% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। आंकड़ों से पता चला है कि ग्लोबल और लोकल रेट्स के बीच प्राइस डिफरेंस खास करके बुल मार्केट्स के दौरान साफ है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इंडिया में रेट्स हाई हैं क्योंकि देश में मौजूद सप्लाई की तुलना में क्रिप्टो की अधिक मांग है। प्राइस प्रीमियम आमतौर पर 2% से 5% तक होता है, जो एक्सचेंज स्पेसिफिक ट्रेडिंग वॉल्यूम, मार्केट एफिशिएंसी और सेंटिमेंट के आधार पर डिपेंड करता है। हालांकि समय के साथ कीमतों में अंतर बढ़ गया है क्योंकि ज्यादा इंडियंस ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। इंडियंस को लोकल लेवल पर बिटकॉइन के लिए प्रीमियम का पेमेंट करने के लिए मजबूत होने का एक कारण हायर ट्रांजैक्शन फीस और हाई USD INR एक्सचेंज रेट्स हैं। डिजिटल एसेट मैनेजर वेलकेरी इन्वेस्टमेंट्स ने ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के लिए ट्रेजरी मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, जिससे ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स को अपनी बैलेंस शीट को एफिशिएंटली मैनेज करने में मदद मिलेगी। ट्रेजरी मैनेजमेंट सर्विस कैश फ्लो मैनेजमेंट, प्रोप्राइटरी इन्वेस्टमेंट और एडवांस रिपोर्टिंग की पेशकश करेगी। अपने फर्स्ट क्लाइंट के रूप में वेलकेरी ने NEM सिंबल को साइन कर लिया है। ये दोनों लेयर 1 प्रोटोकॉल पिछले साल मर्ज हो गए थे। वेलकेरी चाहती है कि ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स को अपने काम पर फोकस करना चाहिए और उसे अपने वॉर चेस्ट के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशनल एसेट मैनेजर पर छोड़ देनी चाहिए। म्यूजिक जायंट वार्नर म्यूजिक ग्रुप ब्लॉकचेन गेमिंग डेवलपर स्प्लिंटर लैंड्स के साथ साझेदारी कर रहा है। डील WMG पर साइन किए आर्टिस्ट को प्ले टू अर्न गेम्स बनाने और डेवलप करने का मौका देगा, जिसमें क्रिप्टो टोकन का इस्तेमाल शामिल है। स्प्लिंटर लैंड्स के को फाउंडर और CEO जेसी रिच के अनुसार वार्नर म्यूजिक ग्रुप Web 3.0 कम्युनिटी के मेंबर्स द्वारा सेट स्टैंडर्ड्स को पूरी करने के लिए इनोवेशन कर रहा है। क्रिप्टो में ये WMG का पहला कदम नहीं है। पिछले साल कंपनी ने WMG आर्टिस्ट के लिए अवतार बनाने और NFT मर्चेंडाइज बनाने के लिए जेनीस के साथ काम किया था। वहीं पिछले महीने WMG ने डिजिटल कलेक्टेबल प्लेटफॉर्म ब्लॉक पार्टी के साथ हाथ मिलाया था।
यूरोपियन यूनियन की लेजिस्लेटिव ब्रांच यूरोपियन पार्लियामेंट बिटकॉइन और दूसरे प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसीज पर प्रतिबंध लगाने के लिए आगे बढ़ी है। क्रिप्टो एसेट फ्रेमवर्क में मार्केट के फाइनल ड्राफ्ट क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस के मच एंटीसिपेटेड पैकेज में एनवायरमेंटली अस्थिर आम सहमति तंत्र को प्रतिबंध करने वाला प्रावधान शामिल है। इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2025 से यूरोपियन यूनियन के भीतर बिटकॉइन इलीगल हो सकता है। बिजनेसेस को प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित किसी भी सर्विसेज की पेशकश करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। फ्रेमवर्क के पीछे सेंटर राइट रिपोर्टर स्टीफन बर्जर ने आउटलेट को बताया है कि प्रपोजल को अप्रूवल मिलने की बहुत संभावना है। क्रिप्टो एक्सचेंज FTX लग्जरी मार्केट को शामिल करने के लिए अपनी पहुंच को एक्सपैंड कर रहा है। FTX ने मॉडल टर्न एंटरप्रेन्योर लॉरेन रिमिंगटन प्लैट को ग्लोबल लग्जरी पार्टनरशिप मार्केट के हेड के रूप में नियुक्त किया है। फर्म ब्रांडिंग और स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। एक्सचेंज ने कहा है कि प्लैट लग्जरी ब्रांड्स को टारगेट करने वाली पार्टनरशिप्स को बिल्ड करेंगी और उन्हें क्रिप्टो करेंसी के साथ इंटीग्रेट करने के लिए इनकरेज करेंगी। प्लैट FTX के एनवायरमेंटल और सोशल इनिशिएटिव्स के हेड गिजेल बंशन के साथ काम करेंगी। वेनेसडे को कंपनी ने कहा कि प्लैट मेजर लग्जरी ब्रांड्स को हंट करेंगी और $300 बिलियन की अनटैप्ड फैशन इंडस्ट्री को क्रिप्टोकरेंसी के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगी। FTX में शामिल होने से पहले प्लैट ने विसेट नाम के एक ऑन डिमांड ब्यूटी कंपनी को एस्टैब्लिश किया था, जिसने सैक्स फिफ्थ एवेन्यू, वोग, माइकल कॉर्स और शोपार के साथ ब्रांड पार्टनरशिप स्टार्ट की थी। FTX के CEO सैम बैंकमैनफ्राइड ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि FTX एम्पायर के ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए उनकी टीम्स की पार्टनरशिप और ब्रांडिंग फोकस के डेवलपमेंट के अगले स्टेज के लिए प्लैट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। थर्सडे को बिटकॉइन को $37,000 से नीचे फिसलते हुए देखा गया, क्योंकि रशिया के यूक्रेन पर हमले की ताजा आशंका ने इन्वेस्टर्स को चिंतित कर दिया है। यूक्रेन ने इमरजेंसी की स्थिति घोषित कर दी है और रशिया में रहने वाले अपने नागरिकों से निकलने का आग्रह किया है। ऐसे में बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में लगभग 3% की गिरावट के साथ $37,000 से नीचे ट्रेड कर रहा था, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी वेडनेसडे को $39,000 से ऊपर देखी गई थी। वहीं एथर इस समय के दौरान लगभग 2% की गिरावट के साथ $2,600 से नीचे देखा गया था। चाइनीज मल्टीनेशनल टेक कंपनी अलीबाबा ने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन अली पेपर एंड एडवेंचर नाम का खुद का पहला ब्लॉकचेन गेम लॉन्च किया है, जिसमें प्लेयर्स को नॉन फंजिबल टोकन्स इनाम में दिए जाएंगे। एंड एडवेंचर अलीबाबा की ब्लॉकचेन एंड चेन द्वारा पावर्ड है। पब्लिक को फ्रॉड के बारे में एजुकेट करने के लिए इस गेम में सीरीज ऑफ क्विजेज रखी गई हैं। हर लेवल को पार करने से यूजर को गेम पॉइंट्स मिलेंगे, जिसे प्लेयर्स NFT कलेक्शन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। गेम रिवॉर्ड्स को अलीबाबा अफिलिएट एंट ग्रुप की NFT मार्केटप्लेस जिंग टैंक पर व्यू किया जा सकता है, जिसमें एसेट ट्रांसफर का 180 डेज का लॉक इन पीरियड है। चाइना में फिलहाल NFTs और ब्लॉकचेन बेस्ड गेम्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो TV।